आज का हमारा टॉपिक है एम ई जी के ब्लॉक वन का यूनिट थ्री इससे पहले एम से सारी रिलेटेड जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए इग्नू एम ए इंग्लिश एम जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है यहाँ पे इवन आपको श्योर शॉर्ट कुछ लेक्चर सीरीज भी मिलेगी जिससे आपका अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बूस्ट होगा इवन यहीं से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कैसे डेली बाइक से आप रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो चाहे वो सॉल्ड असाइनमेंट हो या लेक्चर सीरीज हो आप कैसे परचेज कर सकते हो इसकी जानकारी भी इसी पर्टिकुलर प्ले में आपको मिल जाएगी हम आगे बढ़े तो फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लगा रखी है इग्नू एम अपडेट्स नाउ कमिंग टू दी टॉपिक हमारा यूनिट थ्री जो है ना वो उसका पहला टॉपिक है वॉट इज कम्पेरेटिव लिटरेचर देखो कंपेरेटिव लिटरेचर जो है ना वो इन्वॉल्व करता है कंपेरिंग दो दो अलग अलग लिटरेरी वर्क्स को या फिर सब्जेक्ट्स को जो कि ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस के अंडर आते हैं अगर स्कॉलर्स की हम माने तो स्कॉलर्स जो इस फील्ड में रहें उन्हें हम कंपेरिस्ट कहते हैं जो कि एनालाइज करते हैं लिटरेचर को किसके साथ कल्चर्स के साथ लैंग्वेज के साथ एग्जाम्पल के तौर पर आप थोड़ा समझो कंपेयरिंग पार्टिशन लिटरेचर जो कि इंडिया में हुआ उसे पाकिस्तान में फिर देखना कि और सारे पार्टीशन नॉवेल्स कैसे रहे हैं फिल्म जो रही है वो कैसी रही है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिस्पाइट इसके नाम के कंपेरेटिव लिटरेचर कुछ ऐसा क्लासिफाइंग स्पेसिफिक लिटरेचर नहीं है बल्कि रादर इसके पढ़ने का जो तरीका है उस पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है ये जो अप्रोच है ना ये रूट्स है इनकी रूट्स एंशंट टाइम में मानी गई है जो कि देखा जाता है एरिस्टोटल कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ पोइट्री और हिस्ट्री में ठीक है ये जो इवोल्यूशन हुआ है कम्पेरेटिव लिटरेचर स्टडीज़ का जो कि हाईलाइट करता है इसके इंटर डिसिप्लिनरी नेचर को या फिर एक्सप्लोर करता है कल्चरल एक्सचेंज को या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस किसके थ्रू थ्रू लिटरेचर ठीक है यहाँ तक बातचीत हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन देखें अमेरिकन व्यू का तो जो कम्पेरेटिव लिटरेचर है ना अगर हम डिफाइन करें अमेरिकन स्कॉलर एस एस प्रवेर के द्वारा जो कि इन्वॉल्व करते हैं एक एग्जामिनिंग लिट्रेरी टेक्स्ट का मल्टीपल लैंग्वेज में किसके लेंस के थ्रू लेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट के थ्रू या फिर एनालॉजी के थ्रू प्रोविनेंस के थ्रू या फिर इन्फ्लुएंस के थ्रू ये इस बात को भी इनकम पास करते हैं कि जो स्टडी ऑफ लिट्रेरी कनेक्शन है किसके किसके बीच बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच वो भी काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू इनकम पास हुई है एक अलग पर्सपेक्टिव जो ऑफर किया जाता है हेनरी एच रिमार्क के थ्रू जो कि एक्सटेंड करता है कंपेरेटिव लिटरेचर बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स जो कि एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप्स को बिटवीन लिटरेचर एंड वेरियस फील्ड जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया सोशियोलॉजी हो गया या फिर रिलीजन हो गया इसी बात को जब हम आगे बढ़े तो ये जो अप्रोच है ये एम्फिस करता है कंपेयरिंग लिटरेचर को अलग-अलग फॉर्म ऑफ नॉलेज में एक्सप्रेशन में जो कि बियॉन्ड है कन्फाइंस ऑफ वन कंट्री जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंशियट इंडियन लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अ रिच ट्रेडिशन किसका मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल का जैसे स्कॉलर जैसे स्टेरे के दास जो कि जिन्होंने हाईलाइट किया है सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज किस में टेक्स्ट में ही जैसे कि संस्कृत हो गए मलयालम हो गए जो कि शोकेस करते हैं बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिटरेचर की बियॉन्ड दी लैंग्वेज बैरियर्स एग्जाम्पल्स जैसे फोर्टीन सेंचुरी टेक्स्ट लियालो को डेमॉन्स्ट्रेट करता है सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ हाइब्रिड स्टाइल्स चार्ल्स ई गोवर्स वर्क ऑन सदन बैलेट्स फोर द एग्जाम्पलीफाइज करते हैं कंपेरेटिव क्रिटिकल फ्रेमवर्क्स को जो कि अप्लाई करता है टू डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशन इंडिया की जो हिस्ट्री रही है ना जो कि शोकेस करती है कंटिन्यू एम्ब्रेस ऑफ मल्टी एंड मल्टी कल्चरल ट्रेडिशन जो कि बहुत ज़्यादा इनरिच है अपने लिटरेरी लैंडस्केप और अक्रॉस एजेस से सो so, दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर फॉर फर्दर गोइंग फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ओफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डेली बाइट्स डॉट इन आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से इसी बात में जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही इग्नू वाले पेज पर आप क्लिक करोगे आप एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट सॉल्व असाइनमेंट परचेज कर सकते हो लेक्चर सीरीज परचेज कर सकते हो जिससे श्योर शॉर्ट अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको पी वगैरह चाहिए तो टाइप एम ई का कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और फिर आफ्टर पेमेंट 500 आपको हम पी शेयर करेंगे जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स डू जॉइन आर व्हाट्सएप ग्रुप इग्नो एम अपडेट्स जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दी है दिस विल बी ऑल अबाउट दिस सेक्शन हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स थैंक यू सो मच